गए हैं। कल की रेड के बाद, पूछताछ के बाद कुछ और बरामदगी की गई है। आपको बता दें कि लोधी रोड इलाके में छापेमारी से पुलिस के हाथ और सुराग मिले हैं। तो आपको बता दें, कान मार्केट में रेड के बाद बरामदगी हुई है। 400 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यहां पर बरामद हुए हैं, जबकि पूरी दिल्ली में आपको पता हो कि ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों में भारी किल्लत है। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, खास करके आपको हम बता दें, ये छोटे बड़े हर तरह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में है, उनके लिए भी ये बहुत बड़े मददगार के तौर पर होते हैं। उनकी जान बचाने में काफी मददगार होते हैं। और साथ ही साथ अस्पतालों में भी जो बड़े कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं, जब ऑक्सीजन सिलेंडर ना हो, उस बीच में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी अगर होता है तो उससे भी काफी मदद मिल जाती है मरीज को। ऐसे में कालाबाजारी, गोरख धंधा किस तरह से चल रहा है, उसकी तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। ऑक्सीजन संकट के बीच ये बड़ी रेड यहां पर पड़ी है खान मार्केट में, दिल्ली के खान मार्केट में, जहां पर कल से लेकर आज तक 410 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 500 से ज्यादा बताया जा रहा है, 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किया जा चुका है। तो दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट के बीच ये सबसे बड़ी रेड है। और इस बीच रेस्टोरेंट, बार, पब में अलग अलग जगहों पर छापेमारी जा रहे हैं, रेड पड़ रही है। और ये देखिए किस तरह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त जबकि दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोधी रोड इलाके में ये सेंट्रल मार्केट की 9 और 10 नंबर शॉप है, जहां पे नेगेजू नाम से एक रेस्टोरेंट है। दिल्ली पुलिस की टीम ने, साउथ दिल्ली की पुलिस ने जब यहां पे रेड की, तो यहां से करीब 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले। पुलिस ने यहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी भी इस रेस्टोरेंट के मालिक की तलाश जारी है। जाहिर है कि रेस्टोरेंट में क्यों रखे गए थे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, इस बात की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस मामले में एक बड़ा नेटवर्क शामिल है, जिसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ तंजीम हैदर, दिल्ली आज तक। और तंसीम हैदर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, अब तक क्या जानकारी, क्योंकि वाकई ये एक बहुत बड़ा बड़े मददगार के रूप में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, और ऐसे में गोरख धंधा इसको स्टोर करके रखा गया था बल्क में, और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? तंसीम, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हम तंसीम से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस होटल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बल्क में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रखे गए थे। ये देखिए, ये वही पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं जो जिससे लोगों की जान बच सकती थी। कई लोगों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवाई है। उधर खान मार्केट के मशहूर रेस्टोरेंट खान चाचा तक भी पहुंची है, और 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यहां पर बरामद किए गए हैं। दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस इस वक्त सर्च कर रही है निशानदेही पर, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसको लेकर के, लगातार जो अभियुक्त आरोपी है उसको लेकर के यहाँ पर पुलिस पहुंची है। अलग अलग रेस्टोरेंट में ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर पूछताछ की जाए, जो आरोपी है उसको लेकर के पुलिस यहाँ पहुंची है। क्या आपने क्या जानकारी दी है, क्या होता था, किस तरीके से आप लोग काम करते थे, किस तरीके से काम करते थे आप लोग? तो ये आरोपी है जिसको लेकर के पुलिस पहुंची है, और यहाँ पर लगातार ये और भी जगहों पर सर्च किया जा रहा है। पुलिस की जो पूरी टीम है, ये खान मार्केट के अलग अलग